ने कहा था कि राजस्थान के किसानों के खेतों में हरियाली के लिए, बेटियों और मां के सपनों की ऊंचाई उड़ान के लिए, स्कूल में बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए, सभी प्रदेशवासियों की अच्छी सेहत के लिए, नौजवानों को सक्षम बना उनकी हरसतों को पूरा करने के लिए, गरीब मध्यम वर्ग के घरों में खुशहाल लाने के लिए, गाँव का हाल बदलने के लिए, शहरों की रफ्तार बदलने के लिए इत्यादि इत्यादि इन्होंने सदन में कहा था। पर माननीय अध्यक्ष महोदय, हुआ क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा राजस्थान में किसानों के खेतों में हरियाली लाएंगे। कैसे लाएंगे? बिजली तो दे नहीं रहे हैं, बिजली के तार लटक रहे हैं नीचे, उससे किसान मर रहे हैं। क्या किसानों के मरने से, किसानों को खेत में बिजली नहीं देने से क्या हरियाली आएगी? क्या किसान जब खाद लेने जाता तो खाद मिलता नहीं है, कैसे ग्रामीण विकास होगा? दूसरा, इनका बेटी और मां के सपनों की ऊंची उड़ान के लिए, बेटियां आंगनबाड़ी में जाती है तो छत पर पंखा नहीं है गर्मी में, वहां पर टॉयलेट जाने के लिए शौचालय नहीं है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में भवन पड़ा हुआ है, कभी भी गिर जाए तो बच्चों के साथ हादसा हो सकता है। क्या ऐसे बच्चों और मां के सपनों की उड़ान को पूरा करेंगे? स्कूल में बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए, और स्कूल तो बंद कर दिया, मेरा स्कूल बंद कर दिया, खरली बावड़िया बंद कर दिया, कई बार यह करने के बावजूद उसको चालू नहीं किया, बेटा कैसे पढ़ेगी? मेरे सुकेत में एक ही विद्यालय में 500 से ज्यादा बच्चे होने के बावजूद भी उसको महाविद्यालय में कर्मोन्नत नहीं किया, इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है, तो कैसे संभव होगा? और ये करे सभी प्रदेशवासियों की अच्छी सेहत के लिए। माननीय सभापति महोदय, गांव में डॉक्टर नहीं है, सब सेंटर खाली पड़े हुए हैं, दवाइयां नहीं है, जांच की व्यवस्था नहीं है, इससे सेहत सुधरेगी या मरेगी? यानी किस प्रकार से लोगों को बरगलाने की कोशिश की गई माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, और इस सदन में किस प्रकार से असत्य कथन कहा गया, इसकी वानगी मैं आपको बताना चाह रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, गरीब और मध्यम वर्ग के घरों में खुशियां लाने के लिए, गरीब के घर में खुशियां तब आएगी क्या जो प्रधानमंत्री आवास नहीं बनेगा, शौचालय नहीं बनेगा, वह पात्रता रखने के बावजूद भी उसको पेंशन नहीं मिलेगी, वो पात्रता रखने के बाद भी उसके खाद्य सुरक्षा का गेहूं नहीं मिलेगा, क्या इस आधार पर खुशियां आएगी उसके घर में? यानी इस प्रकार के नाटक करके लोगों को बरगलाने का कोशिश किए, गाँव का हाल बदलेंगे? इन्होंने कहा गाँव का हाल बदलने के लिए भी हम तत्पर हैं। माननीय सभापति महोदय, इसी सदन में घोषणा की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में कि हम विकास पथ बनाएंगे। कहां विकास पथ? कहीं दिखाई नहीं देते, 1% भी फलीभूत नहीं उनकी घोषणा। ऐसी घोषणा क्यों की इन्होंने? राजस्थान की जनता टैक्स देते से पैसा आता है, उसका उपयोग करना था। आप उसके मालिक नहीं है, आप व्यवस्थापक हैं, ट्रस्टी हैं, तो फिर उस पर पैसे का दुरुपयोग क्यों किया गया? जबकि आपके पास ऐसा नहीं था, पैसा नहीं था। मैं आपको उसकी बान की बताना चाहता हूं। वर्ष 2021-2022 में ग्रामीण विकास की अन्य अतिरिक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 21-22 में इनके पास जो धनराशि थी 2974.99 करोड़ रुपए खर्च किए। कितने किए गए माननीय सभापति महोदय? 23.42% पैसा खर्च किया गया इसमें से, यानी 696.65 करोड़ रुपए खर्च किए गए, यानी 33% पैसा भी ये खर्च नहीं कर पाए, राशि को खर्च नहीं कर पाए। इसी प्रकार से 22-23 में इनके पास उपलब्ध जो राशि थी वह थी 2887.38 करोड़ रुपए, उससे मात्र 423 समथिंग करोड़ रुपया खर्च किया गया। जब इनके पास राशि थी तो ग्रामीण विकास करने में इनको क्या परेशानी थी? क्यों नहीं किया गया? पैसा होने के बावजूद भी, सदन में घोषणा करने के बावजूद भी, और पैसा खर्च नहीं किया गया। वो पैसा गया कहां है वो राशि? ये तो बताना पड़ेगा ना।
या बजट पास करवा लेते, डिमांड पास करवा लेते और अखबारों में छपवा लेते, ताले पिटवा लेते, लेकिन काम करते नहीं है। ये बहुत गंभीर मामला है। इन्होंने ये भी कहा था माननीय अध्यक्ष महोदय, बेघरों बेघरों को पुनर्वास आवास देंगे हम लोग। बेघर जो टापरी में रहते हैं, जिनके घर नहीं है, जो ऐसे आम के पेड़ के नीचे रह रहे हैं, जो कोई ऐसे खेत में रह रहे हैं, फुटपाथ पे रह रहे हैं, उनके लोग का पुनर्वास करेंगे, आवास बनाएंगे। कितने लोगों का बना, कहां बनाए? मैं सभापति महोदय गारंटी के साथ कह रहा हूं, एक भी आवास इन्होंने नहीं बनाया है। और इस घोषणा को मेरी मोटी मोटी जानकारी के अनुसार 3 वर्ष हो गए हैं, 3 वर्षों में इसमें काम नहीं हो पाया। कितना गड़बड़ मामला है। फाइनेंस कमीशन का पैसा, जिसको वित्त आयोग कहते हैं, वो भारत सरकार भी देती है और राज्य सरकार भी देती है, और उस वह धनराशि भारत सरकार की तो आ जाती है, लेकिन राजस्थान सरकार की राशि वह साल साल भर तक नहीं आती है। यानी यदि पंचायत, यदि भारत सरकार की राशि नहीं आए तो इनकी ग्राम पंचायतों के ताले लग जाए, लेकिन भारत सरकार की राशि का उपयोग करते हैं और राजस्थान सरकार समय पर उस राशि को देती नहीं है। माने माने सभापति महोदय, उस राशि में भी ये प्रावधान है कि लगभग 60% पैसा उसको हम स्वच्छता पर खर्च करेंगे या पेयजल पर खर्च करेंगे। और अभी तो मेरी जानकारी के अनुसार उस पर ज्यादा रेशो ज्यादा बढ़ा दिया है कि 40% लगभग राशि हम स्वच्छता पर खर्च करेंगे। हम गांव में जाते हैं, नालियां भरी रहती है, कीचड़ भरा रहता है, गंदगी गंदगी है, और जब आपकी पंचायत की केस बुक देखोगे तो पैसा खर्च हो गया है। जो ईमानदार सरपंच है बहुत कम, वो तो इस राशि को ईमानदारी से खर्च करते हैं। शेष राशि कहां जाती है, इसकी मॉनिटरिंग करने वाला कौन है, देखने वाला कौन है, ये तो सदन को बताना पड़ेगा। सरकार बताए, जिस जवाब दे बात होगी, वो राशि जाती कहां है और इसका मॉनिटरिंग का सिस्टम क्या है, ये भी बताना पड़ेगा। इन्होंने 2019 और 20 में घोषणा की थी, वो थी ग्राम मास्टर प्लान, यानी विलेज मास्टर प्लान। क्या हुआ उसका, कहां बना मास्टर प्लान? कहीं नहीं बना। इनका उद्देश्य यह था, मास्टर प्लान की अहमियत को समझते हुए प्रदेश के गांव में मास्टर प्लान बनाए जाएंगे, जिसमें भविष्य के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आबादी विस्तार, खेल सुविधाएं, पार्क, सरकारी भवन, सड़क व अन्य विकास की आवश्यकताओं का आकलन करके भूमि का चिन्हीकरण कर पटवारियों के सहयोग से किया जाएगा। कहीं भी नहीं हुआ माननीय सभापति महोदय, यानी इतना असत्य बोलने इस सदन में बोला, पवित्र सदन में, और लोगों को गुमराह किया गया, लेकिन अभी तक भी वह विलेज मास्टर प्लान कहीं भी नहीं बनाया, धरातल पर नहीं उतरा, जबकि ये घोषणा थी 2019 और 20 की। स्वामित्व तो योजना है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 24 अप्रैल 2020 को पंचायत दिवस पर स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया था, और ये राजस्व विभाग और पंचायत राज के द्वारा करना था, अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन भी 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया था, जिसका लक्ष्य था महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर अर्थात 2 अक्टूबर 2019 तक इनको श्रद्धांजलि स्वरूप स्वच्छ भारत बनाना था। राजस्थान में क्या असर हुआ उसका, डिंडोरा तो बहुत पीटा गया ना, पर हुआ कुछ नहीं। आज भी गांव गंदगी से अटे पड़े हैं, पैसा निरंतर उठ रहा है गांव में। ये भी सरकार ने ये भी जोर शोर से कहा था, हम प्लास्टिक पर बैन कर रहे हैं, और जो प्लास्टिक कचरे का निस्तारण भी और जो होगा उसको ठीक प्रकार से करेंगे। कहां हो रहा है गांवों में प्लास्टिक कचरे का निस्तारण और कहां बैन है? इस प्रकार की झूठी घोषणाएं करके, आदेश निकाल करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश क्यों की जाती है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। माननीय सभापति महोदय, ये भी कहा गया भू संरक्षण और भू संरक्षण करेंगे और कटाव रोकेंगे। अरे मैं कहां देखने जाऊं, मेरे तो रामजमंडी विधानसभा क्षेत्र की मवासा और सांडियाखेड़े की बात करूं तो लगातार जो नदी है, बड़ा नाला है, उसे गांव कटते जा रहे हैं। कभी भी कटाव के कारण से उसके दीवारें गिरेगी उसकी, तो उसपे सैकड़ों लोग समा सकते, मर सकते हैं, बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन इस विधानसभा में कई बार कहने के बावजूद भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है।
पहले तो कहा गया कि हम दीवार नहीं बनाएंगे, फिर कहा गया कि तटबंध के अंतर्गत इसको कर सकते हैं, हम करेंगे, लेकिन वो कह दिया है अभी तक किया नहीं है। मैं समझता हूं ये गंभीर मामला है। हम लोगों को मरने के लिए छोड़ना चाहते हैं, यानी लोगों को मारना चाहते हैं, ये ठीक नहीं। इन्होंने माननीय सभापति महोदय ये भी कहा, बीपीएल घुमंतु घुमक्तु और विमक्त जो लोग हैं उनको सरकार की तरफ से जिसके भूखंड नहीं आवासीय भूखंड, उनको निःशुल्क भूखंड दिया जाए। मैं आपको सभापति महोदय, मैं बहुत ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी बहुत बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की, एक को भी निःशुल्क और भूखंड नहीं दिया गया है। ये गरीबों के साथ राजनीति करोगे, ये गरीबों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो, ये सरकार इन गरीबों को भी लूटना चाहती है। अरे जनता का पैसा है, ये देश की प्रदेश की कमाई का पैसा है, इस राशि को हमको गरीबों के लिए लगाना चाहिए, उसको विकास के लिए लगाना चाहिए, उनको छत उपलब्ध कराना चाहिए, उसको भूखंड उपलब्ध कराना चाहिए। और इस कारण से माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री आवास योजना लाए हैं, उनका भी लाभ मिलने में आप रोड़ा अटका रहे हैं, यानी भारत सरकार उनका आवास बनाना चाहती है, लेकिन आप रोड़ा अटका करके उनको भूखंड नहीं दे करके उनके दुश्मन बने हुए हैं, यानी गरीब लोगों से दुश्मनी निकालना ये ठीक नहीं है। माने सभापति महोदय एक निवेदन और करना चाहता हूँ, जब नगर पालिका है, नगर निगम या नगर परिषद होती है, उसका फेरा फेर ये एरिया होता है, और उस एरिया में जब भू रूपांतरण कराया जाता है तो उसकी राशि नगर पालिका, नगर निगम या नगर परिषद के खजाने में जाती है, लेकिन जहां से पैसा प्राप्त होता है उस गांव का कोई विकास ही नहीं होता, उसे कोई खर्च ही नहीं होता। आखिर क्यों होना चाहिए ना, वहां भू रूपांतरण होगा, फैक्ट्री लगेगी, अन्य काम लगेगा, तो प्रदूषण तो भुगतेंगे, पानी की कमी उनको होगी, ध्वनि प्रदूषण भी उनका होगा, लेकिन कोई सोच नहीं है पैसा कहां से आ रहा है, कहां खर्च हो रहा है, कोई सोच नहीं है। मैं समझता हूं पैसा मिलेगा तो जिस ग्राम पंचायत में आता है उस ग्राम पंचायत को मिलना चाहिए, ताकि उस ग्राम पंचायत की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। शमशान घाट, स्कूल की जमीनें, खेल के मैदानों, चरागाह भूमियों पर कब्जा है, ग्रामीण विकास होगा कैसे? शमशान घाटों पर कब्जा है, यानी आदमी को अंतिम संस्कार के लिए भी ठीक तरह से जगह नहीं मिलती है, उसके लिए भी उनको परिजनों को झगड़ा करना पड़ता है, और कहीं कहीं किसी व्यक्ति विशेष की जमीन में उनका अंतिम संस्कार करना पड़ता है, क्योंकि वहां तो लठियतों ने कब्जा कर रखा है। मैं इस विधानसभा में कई बार इस बात को उठा चुका हूं कि मेरे सुकेत में शमशान घाट पर कब्जा कर लिया है, मकान बना लिए हैं, और पता नहीं क्या क्या वहां खेल होता है, वहां पास में स्कूल की जमीनों पर कब्जे हो गए हैं, खेल के मैदानों पर कब्जे हो गए हैं, और सुकेत के 8 किलोमीटर के रेडियस में जितनी भी चरागाह जमीन है सब पर कब्जा हो गया है। यहां से आदेश होने के बाद, आश्वासन देने के बाद, अधिकारियों के लेटर लिखने के बावजूद भी वहां कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, इससे ज्यादा इस सरकार का निकम्मापन और क्या होगा कि बच्चों के स्कूल से अतिक्रमण नहीं हटा सकते ये लोग, ये अंतिम संस्कार के लिए जो शमशान घाट है वहां से अतिक्रमण नहीं हटा सकते हैं, खेल के मैदानों से नहीं हटा सकते, और तो और मृत जानवर उठाने वाला जो हमारा बंधु होता है वो मृत जानवर को उठाकर ले जाता है, डाले कहां, उसके लिए जगह सुरक्षित नहीं है। कई बंधु मेरे इसलिए झगड़े में मारे गए कि मेरे यहां मृत, मेरी तरफ मृतक जानवर क्यों डाल रहे हो, और मेरी मोटी मोटी जानकारी के अनुसार लगभग एक दर्जन, आधा दर्जन से ज्यादा राजस्थान में ऐसे लोगों की हत्या हो चुकी है जो मृतक जानवर डालने का काम करते थे, लेकिन आज तक उनके लिए जगह सुरक्षित नहीं कर रहे। मेरे जो तत्कालीन राजस्व मंत्री से मिलने के बाद उन्होंने ऑर्डर जारी किया था, लेकिन इस ऑर्डर की भी आज तक कोई पालना नहीं हुई है, और हम कहते ग्रामीण विकास करेंगे। नाथ योगी समाज के अंतिम संस्कार जब ये करते हैं तो समाधि लेते हैं, तो इनके लिए पर्याप्त जमीन चाहिए, लेकिन इनके लिए भी अंतिम संस्कार के लिए जमीन का आवंटन नहीं होता है। मेरे क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में हैं लोग हैं, लेकिन वहां भी नहीं हो रहा है। ग्रामीण विकास ही कहते शराब की दुकानों से करेंगे, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में शराब की दुकानें, मेरे विधानसभा क्षेत्र में हो रहा होगा जैसे पूरे प्रदेश में हो रहा होगा, गली गली में, और ग्रामीण विकास करेंगे। और फिर यदि कोरोना में भी ठेकेदार
यदि शराब नहीं बेचे उसको दंडित किया जाता है कि तूने कोरोना में भी गरीब लोगों को शराब क्यों नहीं पिलाई। इस सरकार की नीति देखिए, कोरोना में भी तुमको शराब पिलाना चाहिए था, नहीं तो तुमको दंडित किया जाएगा। यानी राजस्थान को बर्बाद करने का षड्यंत्र जो सरकार कर रही है, इससे ज्यादा मैं शब्द मैं नहीं कहना चाहता हूं, इससे ज्यादा कोई गड़बड़ बात कोई और हो नहीं सकती है जो गरीब लोगों के साथ कर रहे हैं आप। माननीय सभापति महोदय, विद्यालय की बाहर लिखा हुआ है तंबाकू निषेध है, 200 मीटर तक कोई तंबाकू नहीं होगा। वहां तो प्रिंसिपल साहब भी खा के आते हैं, वहां तो जिला शिक्षा अधिकारी जी जो निरीक्षण पे जाते हैं वही खा के आते हैं, गुरुजी खा के आते हैं, बच्चों से अपेक्षा करोगे वो नहीं खाएंगे। हाँ, मैं पंचायत राज का ही है, ग्रामीण विकास का है, ये ग्रामीण विकास का है कि किस प्रकार से हम ग्रामीणों का विनाश कर रहे हैं, उनको किस प्रकार से और नशे की तरफ धकेल रहे हैं, वो बच्चों का क्या होगा भविष्य। जब 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 हम उनको पाबंदी नहीं लगाएंगे, जब उनको ऐसे खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, केवल ऑर्डर निकाल देने से कुछ मात्र हो नहीं जाता है। कौन मॉनिटरिंग करता है इसकी, कौन है नोडल ऑफिसर, कितने को सजा दी, कितने को बर्खास्त किया, होना यह चाहिए था। एक बार इसका सेवन करते हुए मिलता है कोई कर्मचारी तो सस्पेंड, दूसरी बार मिलता है तो फिर नोटिस कि बर्खास्त कर दिया जाएगा, तीसरी बार में बर्खास्त कर देना चाहिए, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की, क्योंकि आपको पैसा चाहिए था और उस पैसा पाने के लिए आपने इस प्रकार का षड्यंत्र किया है। माने सभापति महोदय, जनता की सेहत से खिलवाड़ करने के लिए गांव में सरेआम जानवर काटे जा रहे हैं, जानवर काट कर बेचा जा रहा है, अस्वस्थ जानवर काटे जा रहे हैं, और अस्वस्थ जानवर जब का मांस लाख खाते तो गरीब तो बीमार हो जाते हैं। प्रावधान है, अस्वस्थ जानवर को नहीं काट सकते, उसका मांस नहीं बेच सकते, उसके लिए पशु चिकित्सक प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, उसको खाद्य विभाग का भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, और खुले में इस प्रकार से नहीं बेच सकते हैं। लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र सुकेत में सरेआम हो रहा है, मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं, लेकिन पता नहीं कौन अधिकारी, कौन मंत्री, कौन मिले हुए हैं उन लोगों से जो धड़ल्ले से कहते हैं जब तक ये सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है हम ऐसे ही बेचेंगे, और आज धड़ल्ले से खुला मांस बेच रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, और यहां पर कोई सुनने वाला नहीं। कई बार ऐसा लगता है कि हमारी गांव वालों से दुश्मनी है, और इसीलिए बिजली के तार झूल रहे हैं, उनको ठीक करने वाला कोई नहीं, 11 केवी की लाइन लोगों के मकान के ऊपर से होकर के निकल रही है, पास से होकर के निकल रही है, लोग कई बार उनके संपर्क में आने से मर रहे हैं, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं किया जा रहा है। और उससे कहा जाता है जिसका बेटा मर गया उससे भी तू आधा पैसा जमा करा दे, तार को हटाने का प्रयास करेंगे। क्यों, क्या ऐसा प्रावधान नहीं कर सकते थे कि तारों को हटाने के लिए कुछ फंड उपलब्ध करवा दे ताकि लोग मरे नहीं, लेकिन आप सोचते नहीं। और निर्माण कार्य गुणवत्ता को तो मान नापने वाला कोई नहीं है पंचायत राज में, कोई नहीं, जैसे जो हो रहा है। और पंचायत समिति सदस्य जिला परिषद सदस्य तो चुन लिए गए हैं, उनके अधिकार क्या है, काम क्या है, कोई नहीं बताने वाला। लोग दर दर की ठोकर खाते रहते, इधर उधर घूमते रहते, उनको कुछ अधिकार दो, उनका मानदेय बढ़ाओ, उनको शक्तियां दो ताकि वो कुछ काम कर सके, करना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं देते। आप ध्यान होगा ग्राम पंचायत की जब बैठक होती है और उस बैठक में जो कार्यवाही रजिस्टर होता है, उस कार्यवाही के रजिस्टर में कार्यवाही लिखने के बाद या पहले ही साइड में हस्ताक्षर कराए जाते हैं, जबकि हस्ताक्षर कार्यवाही पूर्ण होने पर वह कराना चाहिए, नहीं कराते, और ग्राम सेवक अपनी मर्जी से उस पर कुछ भी बाद में लिख लेता है, और फिर कहता है तो प्रस्ताव पारित हो गया था, ये तो प्रस्ताव खंडित हो गया है, ये तो उसने नहीं माना है, ऐसा क्यों होता है। निर्देश दिए जाने चाहिए माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि ग्राम पंचायतों में जो स्वच्छता का काम है वो पूरी ईमानदारी के साथ ठीक प्रकार से होना चाहिए। ये बहुत गंभीर मामला है कि हमारा धन खर्च होने के बावजूद भी, सरकार के आदेश होने के बावजूद भी, और हमारी ग्राम पंचायतें या गांव
ठीक नहीं है। लोग बीमारियों कारण से बीमार होते रहते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, यहाँ कहा गया था हम सेहत का ध्यान रखते हैं। माने एक मिनट और, माने सभापति महोदय, सरकार की धर्मिता देखिए, पैरामेडिकल काउंसिलिंग जो राजस्थान है, उसमें अभ्यर्थियों ने 2019-20 में छात्रों का परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया है, जिसमें लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर, वो विभिन्न पैरामेडिकल सहायक, राज और ग्रामीण विकास का क्या उसी से ग्रामीणों में नहीं है, ये ग्रामीण खाली पड़ी, इसलिए कर रहा हूं मैं। थैंक यू। साथ खिलवाड़ हो रहा है सरकार द्वारा जारी वर्तमान पैरामेडिकल भर्ती परीक्षा में, अभ्यर्थी नहीं हो पा रहे, जबकि इनका कोर्स जुलाई 2021 में ही पूर्ण रूप से चाहिए था। अगर राजस्थान से बाहर के विद्यार्थियों को लेने का चल रहा है, ये कहेंगे कि हमारे विद्यार्थी उपलब्ध नहीं है, तो रिजल्ट तो घोषित करो, उपलब्ध हो जाएंगे। हमारे सब सेंटर खाली पड़े हैं, हमारे पीएससी खाली पड़े हैं, हमारे सीएससी खाली पड़े हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, आपसे मेरी प्रार्थना है कि ये रिजल्ट परिणाम घोषित करें। हाँ मंदन जी प्लीज।